हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत मजा आने वाला है। बाय बाय बिकॉज ऑफ टॉपिक पढ़ लिया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होने वाले हैं आज। सिर्फ क्वेश्चन, नो थ्योरी, सो मजा तो आएगा ही। सो आज होएंगे हमारे हार्ड इजी क्वेश्चंस। व्हाट हार्ड इजी क्वेश्चंस, मतलब ना इजी होंगे ना हार्ड होंगे। आई हैव मेड टू पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हार्ड इजी क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट पे हार्ड क्वेश्चंस। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आएंगे वहां आपकी स्क्रीन पर या मेरी स्क्रीन पर। सो क्वेश्चंस आपको 5 सेंटेंस शो होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट सो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। पहला ये रहा, आंसर क्या कहता है। टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं एंड उसके डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये 3:4 रेशो में है इन दोनों इक्वेशंस के। लेट अस सॉल्व इट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर एक कॉन्स्टेंट कैपिटल में लिख रहा हूं, नीचे कॉन्स्टेंट्स स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो 3:4 जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। हमें वैल्यू ढूंढनी है इस बी की। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 स्क्वायर 25। फोर ए सी, 2 × 3 6, 6 × 4 24। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके बी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। 4ac में A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 9 है, 36 आ जाएगी। लेट अस सॉल्व क्विकली। बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 36 × 3 3b² माइनस 108 इज इक्वल टू 100, सॉरी ये तो 1 हो जाएगा, सो इट विल बी 4। 108 को राइट साइड पर लाएंगे क्या हो जाएगा, 112। सो 3b² इज इक्वल टू 112। 3 को इधर लाएंगे, बस रूट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, 112/3। सिंप्लीफाई कर दो रूट, जो बाहर आ सकते हैं नंबर्स उनको बाहर ले आओ, आंसर आ जाएगा। एंड यस यस यस, प्लस माइनस लगाना मत भूलना, एनीथिंग यू रूट वो प्लस या माइनस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये इक्वेशन है, क्वेश्चन क्या है, यू टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहला पार्ट ये तो बहुत इजी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय 3/1 दैट्स 3 × 2 दैट्स 6। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। व्हाट इज द बी, -2, सो -2 हो जाएगा एंड ए इज 1, सो डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, -2 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 - 6 = -2। बहुत इजी है। नेक्स्ट वन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर से वही मेथड है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 × α/β (α+β). आई होप ये फॉर्मूलास आपको याद होंगे, दैट अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3α/β (α+β). ये फॉर्मूला आपको याद होंगे, आई होप। मैंने सिर्फ इसको इसको लेफ्ट साइड पे ले जाया है और इसको राइट पे, सो नथिंग एल्स। एंड वैल्यूज पुट कर दो अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की, यहाँ पर आंसर आ जाए। वेस्ट योर टाइम, दैट्स व्हाई मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। लेट अस मूव ऑन। सो
अल्फा अल्फा इज टू पावर 4 बीटा इज टू पावर 5 एंड बीटा इज टू पावर 5. सो ये आ गया है थोड़ा टफ क्वेश्चन. आई नो यार इसको इस क्वेश्चन को देख के ना लगता है ये कैसे करेंगे, बट ट्राई नहीं करते हो आप. यू कीप लुकिंग दैट ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अरे ट्राई तो करके देखो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में ना मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ हिट एंड ट्रायल काउंट करता है. ये तो हिट एंड ट्रायल का भी नहीं है, बट आपको कुछ ना कुछ करके देखना है. आपको क्वेश्चन को भूलना नहीं है, क्या हो सकता है. जस्ट ट्राई, कुछ भी करते रहो, ट्राई. ऐसे निकल सकता है क्या? ट्राई. अब सिंपल चीज देखो, अभी हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसकी वैल्यू निकाली. देखते ही माइंड में झलकता है दैट 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. एंड ये ऐड कब होएगा? इफ वी मल्टीप्लाई. सो इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. इसकी वैल्यू तो माइनस 2 एंड इसकी वैल्यू ओके निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2. अल्फा बीटा की वैल्यू 3. आंसर क्या आएगा इसका? 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18. माइनस 18 आएगा, दैट विल चेंज दिस माइनस साइन टू प्लस. अल्फा प्लस बीटा 2 और माइनस 2, माइनस 2 क्यूब माइनस 8, 10 आ गया. सो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 10. ना अगर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा? विद दिस सॉल्व अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब क्या आएगा? 3 प्लस 2 हो जाएगा. लेट अस सॉल्व फॉर द अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब क्या हो जाएगा? 2 + 3 = 5. इसका भी क्या हो जाएगा? 2 + 3 = 5. इसमें क्या कर सकते हैं हम? अल्फा बीटा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं. लेट अस टेक अल्फा बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा. ये तो उसका सॉल्व हो सकता है, राइट? इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2 × 10 - 20. Now, इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू ढूंढनी है. इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ, -2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा. ओके, सो सॉल्व कर देता हूं ये भी. अल्फा बीटा क्या होएगा हमारा? 3 × 3 = 9. अल्फा प्लस बीटा -2 = 18. -18 हो जाएगा, वहां जाके +18 बन जाएगा. -20 + 18 = -2. कोई प्रॉब्लम आए तो बताओ. क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. तो अब जो क्वेश्चन आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड बहुत ही मजा आएगा उसको सॉल्व करने में. यू डोंट हैव टू वॉच डायरेक्टली द सॉल्यूशन, प्लीज सॉल्व करो. 1 घंटा लगाओ 2 घंटा लगाओ, बट सॉल्व होना चाहिए तुमसे पहले. जस्ट ट्राई करना इंपॉर्टेंट है. उसको आपको आपको अपनी नोटबुक में लिख लिख के आपको एक पेज भर दिया है, ट्राई करा है. एक पेज भर दिया, ट्राई कर दिया, अब सॉल्यूशन देखते हैं. ये नहीं कि दो लाइन लिख दी, नहीं. कीप ट्राइंग. जब तक पेज नहीं भर जाता ना ट्राई करते करते, तब तक ट्राई करते रहो. अच्छा, ये क्वेश्चन कहता है दैट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल एंड वन ऑफ देयर रूट्स आर कॉमन एंड इक्वल टू 1. अब मैंने इसके प्रूफ में बताया था जो इसका कौन सा प्रूफ, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड रूट्स.
इसका जो प्रूफ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने बताया था दैट अगर ये आपको पता भी होना चाहिए, अगर रूट जैसे वन है सो इसका फैक्टर क्या आएगा एक्स माइनस वन, रूट टू है फैक्टर क्या आएगा एक्स माइनस टू, ये मैंने बताया था। सो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मीन्स इसके टू रूट्स है अल्फा एंड दूसरा रूट क्या है, एक तो कॉमन रूट है वन, एक अननोन रूट है, तो दो रूट है अल्फा एंड वन। सो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस वन, सिंपल। अब सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना, अब इसको मिटा देता हूं सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में क्या है फिर एक अननोन रूट अनकॉमन रूट बट एक रूट है हमारा फिर से वन, तो सेकेंड रूट में क्या है एक्स माइनस बीटा ले लेते हैं एक्स माइनस वन, सॉल्व करो माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स, सो एक्स को उधर ले आते हैं अल्फा उधर ले जाते हैं माइनस एक्स प्लस अल्फा, ओके यहां से एक्स को कॉमन ले लो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस वन। सो अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस वन प्लस बीटा, सेम पैटर्न फॉलो होता है, ओके सो ये आ जाएगा एंड अब क्या करना है नाउ व्हाट टू डू, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है इक्वेट कर दो, हमने फाइनली फाइंड क्या करना है रिलेशन बिटवीन द अदर रूट्स, बहुत सिंपल है, अगर इनके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल इक्वेट कर दोगे सो उन दोनों में सिर्फ अल्फा एंड बीटा बचेगा, जिससे ना उनमें ना वो स्क्वायर होगा ना वो स्क्वायर रूट होगा, सो खाली अल्फा और बीटा बचेगा, सो उनके रिलेशन आ जाएगा। सॉल्व करके बताया तो डिस्क्रिमिनेंट कितने दोनों के अल्फा माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर बीटा, ओके जल्दी से सॉल्व करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अल्फा माइनस फोर अल्फा, इसमें क्या आएगा फोर अल्फा एंड टू अल्फा, एक मिस्टेक करी है हमने, एक्चुअली जब हमने इसको ब्रैकेट में लिया ना तो हमें इसको प्लस करना चाहिए था, व्हाई बिकॉज माइनस इनटू प्लस पहले माइनस आया हुआ है, सो ये एक मिस्टेक करी, इसको कॉपी करके हमने इसको मिस्टेक कर ली, सो इसको करेक्ट कर लेते हैं अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन ना, यहाँ अब सही आएगा प्लस टू अल्फा माइनस फोर अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बीटा माइनस फोर बीटा, क्या आएगा प्लस टू बीटा माइनस फोर बीटा माइनस फोर माइनस टू बीटा हो जाएगा, इसमें भी माइनस टू अल्फा, अब वापस स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस वन होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट रहेगा अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू बीटा माइनस वन माइनस वन माइनस वन कट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बहुत इजी क्वेश्चन थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट अभी मैंने जो गिवन चीजें हैं वो मैंने लिख दी हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये हमारी गिवन इक्वेशन है, अब एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं गिवन है बट हमें वो यहां पर लिखना है, कैसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर, तो जीरो माइनस करो प्लस करो सेम बात है ना, अभी हमने ये क्यों लिया पी को हम मान लेंगे जीरो, सी क्या होता है ना जब भी हम सॉल्व करेंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, हम इसको बी मान लेंगे हम इसको सी मानने लगेंगे, सो दैट्स व्हाई कंफ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए मैंने इसे ले लिया है, और आपको भी हमेशा एग्जाम में ऐसे ही करना है। सो
सिंपली ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन को देखा नहीं कि सिंप्लीफाई का चक्र चलना चाहिए। सिंप्लीफाई 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 करना है। अब ये डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा लिखा है। दिमाग चलाओ थोड़ा, ट्राई करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। गामा हमारा राइट साइड पे आ जाएगा माइनस गामा, पुट करते हैं यहां पर माइनस गामा, क्या हो जाएगा माइनस टू गामा। सिमिलरली यहां पर भी करेंगे तो माइनस टू बीटा आ जाएगा, सिमिलरली यहां करेंगे तो माइनस टू अल्फा आ जाएगा। सो अब फटाफट से इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए वन बाय माइनस टू को कॉमन ले लेते हैं, वन डिवाइड बाय माइनस टू कॉमन। सिंप्लीफिकेशन आएगी हम यहां लिख देंगे ना, ये तो इजी हो गया, तब थोड़ा मुश्किल था ना, अब तो इजी हो गया। बीटा अल्फा अल्फा गामा एंड बीटा गामा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। सो इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की होती है माइनस बी बाय ए, इसकी होती है c बाई ए, बट इज सी हियर माइनस टू, ए की वैल्यू वन, तो क्या आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस टू, नीचे है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन माइनस डी बाई ए, जो कि हमारा माइनस वन है, माइनस टू बाई माइनस वन इज इक्वल टू टू, एंड मल्टीप्लाई इट विद वन बाय वन डिवाइड बाय माइनस टू दैट विल बिकम इज इक्वल टू माइनस वन। नहीं हुआ सॉल्व तो फिर से अपने आप कर लेना, बट सॉल्व जरूर करना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वंस यू डू दिस यू कैन परफेक्ट योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बिकॉज अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन तो आप जरूर कर सकते हो, एंड इससे कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं, अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू 12 बाय 13। ओके, अब कॉमन रेशियो पुट करते हैं पहले, व्हाट इज द कॉमन रेशियो, एक्स एक्स ले लेते हैं कॉमन रेशियो। अब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस टू, फाइंड क्या करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बाय, बिकॉज इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, आई होप ये सबको याद है। कॉमन रेशो ले ली, लेट अस सी नाउ, अल्फा को पुट करो 12x, बीटा माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस टू, क्या हो जाएगा माइनस 1x इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। आई होप ये क्लियर है, एक्स की वैल्यू टू आ जाती है, सो अल्फा इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 24, बीटा इज इक्वल टू 13x इज इक्वल टू 26। यस, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अब करो पुट, अल्फा प्लस बीटा 26 प्लस 24 इज इक्वल टू 50, पुट कर दो यहां पर 50, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 26 इंटू 24, व्हाट इज इट, क्विकली फाइंड करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बताऊं, वेरी वेरी सिंपल, 25 स्क्वायर तो पता है ना, 625, 125 माइनस करो 600 हो जाएगा, और यहां 24 कर दो। Yes, अब हमें क्या दिया 24 और 26, एक 24 ऐड कर दो और यहां 26 करो, जहां 24 इंटू 25 था 24 इंटू 26 प्लस 24 हो जाएगा, दैट इज 624, इजीली कैलकुलेट हो गया।
इक्वेशन आपकी आती एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 624। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो अभी क्या इससे पता चलता है दैट हमें ये दो इक्वेशन गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है आरटी, हमें फाइंड करना है आरटी जहां आर इज नॉट इक्वल टू टी। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है इसको देखो, कोई भी क्वेश्चन तो बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, सो अगर आपका मेथड कहीं भी अलग आ रहा हो सो नॉट टू डिसअपॉइंट, आंसर सेम आना चाहिए। आर स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, टी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया इस क्वेश्चन को देखकर दैट अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे सो दिस विल बी आर माइनस टी एंड दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दोनों से आर माइनस टी हम कॉमन ले सकते हैं। सो मैंने ट्राई करके देखा, लेट अस सी क्या होता है। माइनस वन माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज माइनस वन प्लस वन इज जीरो। व्हाट इज आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, आई होप ये आइडेंटिटी आपको याद है, आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस टी इंटू आर माइनस टी, प्लस एस को कॉमन लेते हैं आर माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। नाउ अगर हम आर माइनस टी को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, आर प्लस टी इंटू सॉरी आर यहां पर है आर प्लस टी प्लस एस इज इक्वल टू जीरो। कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं ऊपर की चीजें हटाया हूं थोड़ी, यस। अब आर इज नॉट इक्वल टू टी क्यों गिवन था, ये दोनों इक्वेशन इक्वल टू जीरो, आर माइनस टी इज इक्वल टू जीरो एंड आर अगर हम टी को उधर साइड लेते हैं तो आर इज इक्वल टू टी, तभी कहा गया है कि आर इज नॉट इक्वल टू टी, ताकि हम ये वाली ना इस इक्वेशन को डायरेक्ट हैं आर प्लस टी प्लस एस इज इक्वल टू जीरो कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये काम करते हैं एस की वैल्यू को पुट करते हैं, एस की वैल्यू आएगी माइनस आर माइनस टी, पुट करते हैं टी की वैल्यू पे पुट करके देखते हैं एस की वैल्यू पे, टी स्क्वायर प्लस टी इंटू क्या निकली थी एस की वैल्यू हमारी, एस की वैल्यू निकली थी माइनस आर माइनस टी, पुट करके देखते हैं आई थिंक सो आंसर हमारा बहुत करीब है बिकॉज माइनस टी स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस आर टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस आर टी इज इक्वल टू वन एंड एंड ये वो कैलकुलेशन देख लेते ठीक है ना, यस ठीक है। चलिए आर टी माइनस वन का जाएगा सो माइनस वन, आर टी इज इक्वल टू माइनस वन। अगर आप एस की वैल्यू निकाल के उधर आर स्क्वायर वाली आर स्क्वायर वाले में भी पुट करते हैं ना इक्वेशन में तो भी सेम आंसर आता बिकॉज वहां आर स्क्वायर कट जाता है यहां टी स्क्वायर कट गया, सेम बात है। आर टी इज इक्वल टू माइनस वन सेम आंसर आया है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है दैट 3 इंटू 5 2x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0.2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक्सपोनेंट आ गया
सबसे पहले तो जो मेरा दिमाग चल रहा है वो कहता है दैट आपका भी यही कह रहा होगा ताकि 0.2 अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा लग रहा। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दू ना तो ये 1 हो जाएगा, अगर मैं इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दू सो ये माइनस 1 हट जाएगा। वाई 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 आपने पढ़ा होगा एक्स बाई ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, यस पढ़ा था। तो अगर मैं माइनस 1 को वापस नीचे लेके चले जाऊं एंड यहां भी माइनस 1 को वापस नीचे लेके चले जाऊं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, राइट। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको तो सारे सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये भी एंड ये भी। लेट अस ट्राई, नाउ इसको 2-3 मिनट में इक्वेशन को देखोगे ना तो ये ऑब्जर्वेशन आएगी आपको, मुझे आई आपको भी आएगी दैट वैल्यू 1 निकालनी है। मे बी इसके कोई और मेथड्स हो बट जो मैं मेथड बता रहा हूं वो बहुत ही जल्दी आता है माइंड में कि यार 3-2 इज इक्वल टू 1 मींस अगर इन दोनों की वैल्यू वन होती है मींस 3-2 इज इक्वल टू 1 एंड ये भी है दैट एक्स की वैल्यू तो 1 ही होगी। सो अगर हमारा लॉजिक सही है तो ये फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये कब होगी, 1 वैल्यू कब होती है, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो किसी तरह हमें इसको 0 करना है, तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं 2x भी 0 हो जाएगा, 1 आ गया। ऐसे क्वेश्चनों में लंबे मेथड्स ये सब मेथड्स काम नहीं करते हैं, हिट एंड ट्रायल ऑब्जर्वेशन स्किल्स यही सब आता है। एंड ये भी है कि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, दे आर नॉट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आंसर आएगा हमारा 0, x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कहता है दैट रूट, ये वाली इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, हमें रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक मेथड तो ये कहता है दैट हम सीधा सीधा इसको वैल्यू को निकालें, इसको सिंप्लीफाई करें एंड देन आंसर निकालें। बट मुझे इस इक्वेशन को देखते ही ना एक फीलिंग आ रही थी दैट यानी एक्स स्क्वायर है यहां पर, फिर एक ये रिपीट करी गई है एंड देन 16 एक परफेक्ट स्क्वायर। सो आई वाज लुकिंग दैट ट्राई करते हैं कहीं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म की तो नहीं, लेट अस ट्राई। मुझे पता नहीं है 8 को हम 2 की तरह पुट करते हैं, अभी 2 × 4 16 4 स्क्वायर होता है, यस इट्स लुकिंग लाइक दैट ओनली 4 × 2 × √x − 3 वाओ, सिंप्लीफाई कर दी हमारी कैलकुलेशन, प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मींस ये ओके माइनस 3 प्लस 4 इज प्लस 1 √x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर का मतलब यही है कि इनर साइड में जो टर्म है वो इक्वल टू 0 है। नाउ √x इज इक्वल टू माइनस 1 दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, इजी है। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट हमारे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सो वीडियो के यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो एंड थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा हो तो मेरे हार्ड वाले YouTube वीडियो में भी प्लीज जरूर देखना। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिले।